जैसे आपने अपना सर्कल बनाया है, मैं चाहूंगी कि आप सब लोग उसके ही साथ में इस विद्यार्थी का सर्कल बनाएं। कोई भी जनरल विद्यार्थी है जो दसवीं में है, हमारी तरह ही सोचता है, पसंद नापसंद है, रिश्ते नाते हैं, उसके भी कुछ ख्वाब हैं, उसको भी मजे करने हैं, सब उसी तरीके से। अब इस बात को लेते हैं जो एक सच्चाई है कि दसवीं के रिजल्ट में एक सब्जेक्ट में वो नाकामयाब हो गया है, एक सब्जेक्ट में उसे इस अटेम्प्ट में फेलियर आ गया है। सोच के बताइए इस विद्यार्थी के सर्कल में हम वो फेलियर कहाँ रखेंगे? पूरे के पूरे सर्कल को फेलियर करके लेबल कर दे, क्या ये सही होगा? वुड इट बी रैशनल? वुड इट बी लॉजिकल? नहीं। तो फिर कौन से हिस्से में रखेंगे? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इस फेलियर को हम शिक्षा वाले हिस्से में रखेंगे, एजुकेशन के हिस्से में रखेंगे। बात तो सही है, इट इज एन एकेडमिक फेलियर, सो लेट अस कीप इट इन द एरिया ऑफ एकेडमिक्स। लेकिन मुझे बताइए, क्या पूरा का पूरा एकेडमिक्स का हिस्सा, शिक्षा का हिस्सा काला कर दे? हाँ या ना? नहीं। क्योंकि अगर इस विद्यार्थी ने कक्षा पहली से लेकर दसवीं, उसके आगे भी बारहवीं, उसके आगे ग्रेजुएशन, और कल को अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, तो उसका पूरा शिक्षा वाला हिस्सा देखकर दसवीं के एक परीक्षा में एक सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण होना, अब हम उसे कितना सीमित कर सकते हैं? हो सकता है 10%। तो अब बहुत ही रियलिस्टिकली शिक्षा वाले हिस्से में हम कुछ एरिया को मार्क कर देंगे जो इस फेलियर को डिनोट करता है। सबने कर लिया? आगे चलते हैं। और कौन सी चीजें हैं और कौन से हिस्से हैं इसके लाइफ के जो इस अनुत्तीर्णता के साथ अफेक्ट हुए हैं, जिस पर इसका इम्पैक्ट आया है? अपना अपना सर्कल देखिए और बताइए। कुछ लोग कहेंगे रिलेशनशिप्स, हाँ, कुछ मेरे कर्तव्य होते हैं मेरी माता पिता की ओर, कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, अच्छी स्कूल में मेरा दाखिला किया, मेरा खाने पीने का ख्याल रखते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है पसंद नापसंद वो देखते हैं, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। जाहिर सी बात है, मुझे ये लग सकता है कि उनकी जो इच्छाएं हैं मेरी तरफ से, वो मैं भी पूरी करूं। तो कहीं ना कहीं रिश्तों में तनाव आ चुका है, लेकिन क्या मैं अपना पूरा रिलेशनशिप का हिस्सा काला कर दूं? फिर वही बात, अगर मेरा 70 साल का जीवन है और उसमें मेरे 10 रिश्तेदार है या 50 दोस्त है, कितना हिस्सा है जो इम्पैक्ट हुआ है और वो जिंदगी भर के लिए इम्पैक्ट हुआ है, या तब तक इम्पैक्ट हुआ है जब तक मैं खुद में बदलाव नहीं लाती हूँ और इस पड़ाव को पार नहीं करती हूँ? अपने अपने हिसाब से सोचिए और आपको जितना परसेंट लगे उतना रिश्तों के हिस्सों में मार्क कर लीजिए। और किन किन चीजों में फर्क पड़ा? भावनाओं में फर्क पड़ा जी। अगर पास हो जाती तो शायद मेरी भावनाएं बहुत अलग होती और एक सब्जेक्ट के फेलियर से मुझ में अलग भावनाएं आई होंगी। पूरे जीवन के भावनाओं का हिस्सा काट दे या अभी के लिए इस सिचुएशन से रिलेटेड मैं अपने आप को कुछ मार्किंग दूं? कर लेते हैं। अब आप ही सोचिए, आगे 2 मिनट में आप उन सब हिस्सों में उतना मार्क करिए जितना सच है और जितना रेलेवेंट है इस विद्यार्थी के आज के स्थिति के लिए। अगर आप सबका मार्किंग हो गया हो तो
तो अभी आगे चलते हैं और एक बहुत ही अच्छी बात हम नए सिरे से सीखते हैं। अगर आपने सबने अपनी अपनी मार्किंग देखी तो बताइए कि पूरे सर्कल में से कितने प्रतिशत हिस्सा है जिसे हमने अलग रंग से मार्क किया है। कुछ लोग बोलेंगे 5% है, कुछ बोलेंगे 10% है, लेकिन आप में से कोई भी नहीं होगा जो बोलेगा 100% मैं खराब हूं या 100% मेरा जीवन खराब हो गया है। बात समझ में आ रही है? जब हमने खुद को एक तीसरे नजरिए से देखा तो हमें पता चला कि सच्चाई है, कठिन है, उसे फेस करने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, खुद में बहुत बदलाव लाने पड़ेंगे, लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि मेरे सर्कल की कोई एक चीज़ मुझे पूरी तरह परिभाषित नहीं करती है। क्या फर्क पड़ेगा अगर ये विद्यार्थी कहता है आई एम अ फेलियर, मैं नाकामयाब हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई, एंड इन कंपैरिजन अपना अब की बार बनाया हुआ सर्कल देख के यही विद्यार्थी कहता है हाँ मेरे जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से में अभी एक बड़ी रुकावट आई है, लेकिन आज भी मेरे पास मेरी बुद्धि, मेरा इंटेलिजेंस है, मुझ में कुछ सकारात्मक भावना है जैसे करेज, मोटिवेशन, होप, जिनका प्रयोग करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आज भी लोग हैं जो मुझ पे विश्वास रखते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आज भी मेरे पास अपने गोल्स हैं, मेरा लक्ष्य है। आज मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो इस अनुत्तीर्णता की वजह से नहीं बदली है, और उन सब का प्रयोग करके ये जो रुकावट आज मेरे जीवन के इस हिस्से में आई है मैं उसे पार कर सकता हूँ। बताइए कितना फर्क है जब एक हिस्सा मेरे पूरे जीवन को डिस्क्राइब करता है, मेरी सारी सोच, नजरिया बदल जाता है और मेरा आगे का पूरा सफर, पूरा मार्ग अलग हो सकता है। और अगर खुद के बारे में मुझे जागरूकता हो, मुझे पता हो मैं कौन हूँ, तो एक हिस्सा कभी भी मेरे पूरे जीवन को परिभाषित नहीं करेगा। और चाहे कितना भी बड़ा सेटबैक या ऑब्स्टेकल क्यों ना आए, मैं उसमें से जो सीख हो वो लेकर फिर खड़ी भी रह सकती हूँ और आगे भी बढ़ सकती हूँ। उसी तरह कभी मेरे जीवन में मुझे अच्छा सक्सेस मिल जाए, मैं खुद को उसी तरह देख सकती हूँ। इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं कितनी ग्रेट हूँ, मैं यही कहूँगी कि हाँ इस हिस्से में आज मैं काफ़ी अच्छा काम कर रही हूँ, मुझे आगे भी वो करना है और बाकी हिस्से जिनमें उतनी अच्छी प्रोग्रेस नहीं है उनको और अच्छाई की तरफ बढ़ाना है। ये दृष्टिकोण जितना बचपन से या जितनी कम उम्र से हम खुद में डेवलप करें, उतना ही आगे आने वाले ऑब्स्टिकल्स से हमारा डील करने का तरीका ज़्यादा बेटर हो सकता है, ज़्यादा हेल्दी हो सकता है। सो ये एक तरीका हमने देखा कि अगर मैं स्वयं को अच्छी तरीके से पहचानूं, राह में आई हुई कोई भी रुकावट हो या चाहे कोई अनुभव हो, अच्छा बुरा, कोई नई व्यक्ति हो, मैं सबके साथ एक बैलेंस्ड पद्धति से पेश आ सकती हूँ, जो कि मेरा सफलता के सफर में एक बहुत बड़ा प्रयास है।